बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है जनाब लॉजिटेक का MX Master 3 माउस। ये वो माउस है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और पिछले तकरीबन 2 साल या इससे ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल में कर रहा हूँ और इंजॉय किया, यानी मज़ा आया मुझे इस माउस को यूज़ करने में। और उसके बाद मैंने कभी किसी दूसरे माउस पर स्विच करने का सोचा भी नहीं। ये गेमर्स के लिए नहीं है, ये जो ऑफिस वर्कर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ये उनके लिए है। तो गेमर्स के लिए मैं पहले से कह दूं कि गेमर्स को कुछ और देखना चाहिए, ये गेमर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है। यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसका मेन पर्पस प्रोडक्टिविटी है। इसका जो डिज़ाइन ही किया गया है, इसके अंदर जो फीचर सेट और चीज़ें रखी गई हैं प्रोफेशनल्स के लिए रखी गई हैं। मेरे जैसे जिसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरा 8 से 10 घंटे दिन में कंप्यूटर के सामने गुजरने जाते हैं, उसके लिए ये लॉन्च हुई। मैंने इसका रिव्यू पढ़ा, मैंने कहा इसको मंगवाना है। उस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी, फिर मैंने पाकिस्तान में इसके आने का इंतज़ार किया। फिर एक ही वेबसाइट पे आई और मैंने उनसे जैसे ही आई ऑर्डर किया, और उस वक्त ये 22,000 का मुझे पड़ा था ये वाला माउस। एक माउस जो कि आप अक्सर 600-700 में ले जाते हैं मार्केट से, ये 22,000 में पड़ा था। और आज मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करने जा रहा हूँ और बताऊँगा कि क्यों 22,000 का है और क्यों मैं इसे बहुत ज़्यादा शौक से इंजॉय करता हूँ और उसके बाद क्यों मैंने कोई माउस नहीं बदला। सबसे पहले तो आप इसकी शेप देख लें, हर एंगल से बिल्कुल परफेक्ट एंगल पे आप रखें अपना, ऐसे अपना हाथ, आपकी उंगलियां, ये वाली फिंगर अपनी नेचुरल पोजीशन पे आती हैं, दूसरा हाथ, और ये इस्तेमाल करना शुरू करें। ये तो सबसे पहला इसकी जो शेप है वो बड़ी खूबसूरत है आपके लिए, हाथ के लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त है। नेचुरली आपका अंगूठा यहाँ पर आता है, लेकिन बात यहाँ पर एंड नहीं हुई। उन्होंने पूरा डिज़ाइन आपके हाथ के हिसाब से तो किया है, लेकिन हर जगह आपके लिए उन्होंने कस्टमाइज किस्म के बटन रखे हैं। मिसाल के तौर पे ये बटन लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक तो आपको पता ही होंगे, ये लेफ्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है, ये सबको पता होता है, ठीक है, ये स्क्रॉल करने के लिए। लेकिन ये सिंपल स्क्रॉल नहीं है, आपने आम माउस को जब इसको टच करेंगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये स्टील का लगा हुआ है, एक सस्पेंशन मैकेनिज्म इस्तेमाल करता है और इंतहाई स्मूद। लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक बड़े लंबे बटन, बड़े सेटिस्फैक्ट्री हैं, क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है, वो चीज़। और उसके अलावा जनाब इसके इस साइड पर अगर आप आ जाएं तो ये देखें, ये भी एक रोलर लगा हुआ है, अगेन स्टील का बना हुआ, या शायद एलुमिनियम का है, तो वो बना हुआ। और इससे इसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके सारे बटन एक सॉफ्टवेयर आता है उससे कस्टमाइज़ हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि इससे टैब्स गूगल क्रोम की चेंज हो तो आप जैसे रोटेट करेंगे वो होंगी। अगर आप इससे चाहते हैं कि हॉरिजेंटल स्क्रोल है कि डॉक्यूमेंट बड़े चौड़े होते हैं वो इससे होगा। आप चाहते हैं इसे जूम इन जूम आउट हो तो वो होगा। और इसे फिर आप पर एप्लीकेशन कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कहेंगे एक प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन है विजुअल स्टूडियो या एंड्रॉयड स्टूडियो, उसमें ये कुछ और बटन्स करें और गूगल क्रोम में कुछ और बटन्स करें, यानी हर का मकसद बदल जाए, तो आप इसको फुली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर इसी के नीचे 2 बटन्स लगे हुए हैं, अगेन ये कस्टमाइजेबल बटन्स हैं। आप इसे ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे और आगे जा सकते हैं, यूआरएल पे टैब चेंज कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपने इसे कस्टमाइज़ किया, एक को दबाएं कॉपी, दूसरे को दबाएं पेस्ट, वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बात भी एंड नहीं हुई, ये भी एक बटन है जनाब, इधर यहाँ पे अगर आप गौर कर सकें, एक छोटा सा निशान भी लगा हुआ है, आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आपका अंगूठा रेस्ट करता है ये भी एक बटन है और ये दबता है, और इसके दबने पे से भी आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। 3 सिस्टम्स के साथ साइमल्टेनियसली एयर आप इसे कर सकते हैं ब्लूटूथ के ज़रिए, या इसके साथ वो एक ब्लूटूथ अडेप्टर भी आता है USB वाला, वो भी लगा सकते हैं 3 सिस्टम के साथ। यहाँ से नीचे 1, 2, 3 लिखा होगा शायद आपको नज़र आए, इस बटन को दबाएँगे तो पहले पर मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं ऑन कर लूँ, अभी ऑफ हुआ है, देखें ऑन हो गया, यहाँ पर ग्रीन लाइट भी नज़र आ रही होगी आपको, इसका मतलब बैटरी अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे जनाब इस वक्त ये देखें 3 पे है, अगर ऑन नज़र आ रहा है उसका, आप दोबारा दबाएंगे ये 1 पे आ जाएगा, दोबारा दबाएंगे 2 पे आ जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे 3 पे आ जाएगा। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आपने इसे किस पे रखना है। Type-C से चार्ज होता है, यहाँ पे Type-C चार्जिंग पोर्ट लगी हुई है और इतनी अच्छी इसकी बैटरी लाइफ है, मुझे शायद 1-2 महीने बाद शायद इसे चार्ज करना पड़ता है, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने कब लास्ट टाइम चार्ज किया, मुझे नहीं अब याद कि मैंने इसे लास्ट टाइम कब चार्ज किया है। ओवरऑल इसके जितने मैं आप लोगों के सामने तारीफ़ें कर लूँ ना उतनी कम है, लेकिन जितनी कर दी यही बहुत हैं। और इसकी जो अभी भी मैंने देखा है पाकिस्तान में 22,000 से 30,000 के बीच में मुख्तलिफ सेलर्स बेच रहे हैं, तो ये चांदी के लिंक्स मैं भी ढूंढ के अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा,
अगर आप में से कोई बाई करना चाहे, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना तो 100% मेरी रिकमेंडेशन है कि माउस बाई करें, गेमर्स के अलावा तो यही बाई करें। आपको जो सही प्रोफेशनल्स हैं उन्हें मज़ा आएगा कि यार कोई अच्छी चीज़ बाई की है, माउस ऐसा जो आपके 7 सालों चले और ये वो वाला माउस है। जितनी मैं रिकमेंडेशन दे सकूँ उतनी कम है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। ये कैसी प्रोडक्ट है शायद मेरे सेटअप में जिससे मैं शायद सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो इसको जब से मैंने लिया मैंने इन्जॉय किया है, इसने मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की है और ट्रूली एक तरह से आप कहते हैं ना एज ए प्रोफेशनल खुश किया। तो 22,000 दिया था, बिल्कुल इसकी वर्थ थी 22,000 रुपया। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगेन मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड हो बाई करने में, और ये एक अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।